पिछले एपिसोड में आपने श्री कृष्ण मठ उडुपी का दर्शन किया और वहाँ माधवाचार्य के आराध्य भगवान कृष्ण का भी दर्शन आपने किया। आपके साथ साथ हम भी उस दर्शन में शामिल रहे। अब आइए, उडुपी से 100 किलोमीटर आगे जाने पर जब बेंगलोर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में एक बहुत ही अति पवित्र स्थान आएगा, उसका नाम है धर्मस्थला। तो धर्मस्थला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए, धर्मस्थला सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए कर्नाटक में अति पवित्र जगह के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जिस समय हम पहुँचे हैं वहाँ कोई पर्व चल रहा था, जिस कारण से लगभग मुझे तो ऐसा लगा कि कम से कम 2 लाख श्रद्धालु वहाँ रहे होंगे। तो चलिए, आइए हमारे साथ बने रहिए और आपको धर्मस्थला का सैर कराते हैं। धर्मस्थला जगह अति पवित्र होने के कारण पूरे के पूरे कर्नाटक राज्य, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के सभी स्थानों से ये बस द्वारा जुड़ा हुआ है। और निकटतम रेलवे स्टेशन हासन होगा यहाँ का। साथ ही साथ ये रास्ते का सीन आप देखिए धर्मस्थला का, और उसके बाद फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पेड़ और जंगल और खुशनुमा वादी आपके मन को मोहने के लिए आंखें बिछाए हुई हैं। और यहाँ पर आप देखिए धर्मस्थला की बसेस यहीं पर आकर रुक जाती हैं और फिर यहाँ से धर्मस्थला मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना रह गया आपको कि धर्मस्थला एक ऐसा धार्मिक जगह है जहाँ पर 20,000 श्रद्धालु को रुकने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। ये चंद्रनाथ मंदिर है। सबसे पहले मैं जैन धर्म को एक्सप्लोर करता हूँ और ये चंद्रनाथ मंदिर है। अभी हम मंदिर चित्र के माध्यम से आपको दिखा पा रहे हैं, उसके बाद हम चंद्रनाथ मंदिर की ओर आपको ले भी चलेंगे और वहाँ भगवान चंद्रनाथ से भी मिलाएंगे और भगवान बाहुबली से भी मिलाएंगे। तो ये रास्ते का सीन देखें और यहाँ पर एक तोरण द्वार है इस तरह का बना हुआ, ये भगवान बाहुबली का दर्शन अभी आप कर लीजिए। इसके बाद हम सीधे ऊपर पहाड़ी पर चढ़कर और आपको भगवान चंद्रनाथ और भगवान बाहुबली का दर्शन कराएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े एक ऐसा नाम है जो पूरे के पूरे धर्मस्थला के धर्माधिकारी हैं और इन्हीं के देख रेख में पूरे धर्मस्थला में जैन मंदिर और भगवान मंजूनाथ का मंदिर का सारा देख रेख आपके तत्वाधान में होता है। धर्मशालाओं की श्रृंखला देखिए, यहाँ अलग अलग नदियों के नाम पर धर्मशालाएं हैं जहाँ पर लगभग 20,000 श्रद्धालु एक साथ रुक सकते हैं। भगवान चंद्रनाथ
जैन तीर्थंकर हैं और आपका दर्शन धर्मस्थला मंजुनाथ मंदिर से थोड़ा सा पहले एक पहाड़ी पर जाने पर आपको मिलेगा। उस पहाड़ी का डिनोशन वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड से आप चंद सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपको भगवान चंद्रनाथ और बाहुबली दोनों के दर्शन वहाँ सुलभ हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। जैन तीर्थंकर भगवान चंद्रनाथ के दर्शनार्थ एक एक पग आगे बढ़ते रहिए और भगवान मंजुनाथ के मंदिर के बस थोड़ी ही दूरी पर भगवान चंद्रनाथ का मंदिर बना हुआ है। तो आइए भगवान चंद्रनाथ के मंदिर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सड़क से चंद सीढ़ियाँ चढ़िए और ये सीढ़ी आपको भगवान चंद्रनाथ के मंदिर के समीप ले जाएगा। तो आइए भगवान चंद्रनाथ के मंदिर में दर्शनार्थ चलते हैं। चंद्रनाथ देवालय, यहाँ पर अब आप भगवान चंद्रनाथ के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए मूंगे के कलर में भगवान चंद्रनाथ का दर्शन आपके सामने है। साथ ही साथ अभी चंद सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेंगी, फिर वहाँ से भगवान बाहुबली के लिए लोग जाते हैं और जो नहीं जाते उनको वीडियो के माध्यम से भगवान बाहुबली का दर्शन यहीं पर सुलभ हो जाता है। तो ये चंद्रनाथ मंदिर में भगवान बाहुबली का आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं और यहाँ से फिर हम आपको भगवान बाहुबली से मिलाने आगे लिए चलते हैं। लगभग लगभग ये मान के चलें कि 22-23 मीटर ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा है जो काले पत्थर की बनी हुई है और यहाँ पर आप जैन मुनियों को देख पा रहे होंगे और जैन लोगों में श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय होता है और उसके बाद एक संप्रदाय 13 पंथ भी होता है। तो ये तीन के तीनों पंथों के संत यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो ये है बाहुबली मंदिर धर्मस्थला। कर्नाटक के दक्षिण भाग में धर्मस्थल मंदिर है। यहाँ के मुख्य देवता भगवान शिव हैं जिन्हें मंजुनाथ के नाम से यहाँ जाना जाता है और अन्य देवताओं में अम्मानवारु, तीर्थंकर, चंद्र भगवान, जैन धर्म के रक्षक देवता कालराहु, कलारकई, कुमार स्वामी और कन्याकुमारी की भी पूजा यहाँ पर होती है। अब आपको नेत्रवती जो एक बहुत ही पवित्र नदी है उसके तट पर लिए चलते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नेत्रवती रिवर ऑन द वे टू धर्मस्थला। दिस इज ए मेन रिवर ऑन गोइंग टू धर्मस्थला एंड देर इज ए होली बाथ बाई श्रद्धालु। आफ्टर ए होली डिप इन नेत्रवती रिवर यू हैव टू गो टू वर्शिप मंजुनाथ टेम्पल धर्मस्थला। दिस इज ए विजिट प्लेस एंड व्यू प्लेस ऑफ नेत्रवती रिवर बिफोर 1.2 किलोमीटर
ऑन द वे टू धर्मस्थला। नेत्रवती रिवर के होली डिप के बाद अब आइए आपको मंजुनाथ मंदिर धर्मस्थला लिए चलते हैं। श्री क्षेत्रम मंजुनाथ देवस्थान देवस्थालया जगह का नाम है। इस जगह पर भगवान माँ पार्वती के नाम से विराजमान है शंकर भगवान, और ये उडुपी और बेंगलोर के बीच में पड़ता है, और उडुपी से लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद ये स्थान आता है। इस स्थान पर आकर आप भगवान भोलेनाथ का दर्शन करिए, और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी हम भगवान का दर्शन कराने का प्रयास आपको जरूर करेंगे। बोलिए ओम नमः शिवाय। मंजुनाथ मंदिर लगभग 800 साल पुराना है, और वहाँ के एक संत थे वदिराज तीर्थ, 16वीं शताब्दी में मंदिर का आपने पुनर्निर्माण कराया, और मंदिर के पुजारी माधवा ब्राह्मण होते हैं जो वैष्णव होते हैं, और मंदिर का जो प्रशासन है वो वीरेंद्र हेगड़े जो जैन परिवार से आते हैं वो करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मंदिर धर्मस्थला अपने आप में बहुत ही चिर अस्थाई और कर्नाटक में बड़े मान्यता का ये मंदिर है। और आइए अब हम इस मंदिर के भोजनशाला की ओर आपको लिए चलते हैं। वाकई में 10,000 श्रद्धालु एक साथ भोजन यहाँ पर करते हैं। सोलहवीं शताब्दी का एक किंवदंती है कि ये हेगड़े परिवार के पूर्वज देवराज जी थे। उन्होंने उडुपी से वदिराज स्वामी को यहाँ पर निमंत्रित किया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर नित्य प्रति भगवान शंकर मंजुनाथ के रूप में जो स्थापित हैं उनका आप पूजन अजन भजन कीर्तन करें। लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। फिर हेगड़े परिवार ने बड़ा अनुनय विनय किया, और उन्होंने कहा कि आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं करें प्रभु। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वदिराज जी यहीं रह गए, और तब से उन्होंने नया नाम इसको दिया धर्मस्थल, और ये धर्मस्थल के नाम पर प्रसिद्ध हो गया। भगवान मंजुनाथ का दर्शन आज तो अति दुर्लभ लग रहा था, और स्पेशल दर्शन 200 रुपीज़ में करने पर 3 घंटे का समय लगा, और फ्री दर्शन में लगभग लोग बताए कि 6 घंटे लगते हैं। इस तरह से ये धर्मस्थला मंजुनाथ देवस्थान कर्नाटका से आपका होस्ट केशव जी, ओम नमः शिवाय। अभी आपने हमारे साथ साथ मंजुनाथ मंदिर धर्मस्थला का दर्शन भी किया भगवान का। अब आइए आपको राम क्षेत्र लिए चलते हैं और इस मंदिर के बारे में बताते हैं। राम क्षेत्र धर्मस्थला
वाकई में सुंदर प्लेस है। धर्मस्थला आने से मात्र 3 किलोमीटर पहले ये स्थान आप अपने लिस्ट में जरूर रखिए। आइए राम क्षेत्र में आपको राम जी से मिलाते हैं। मंजूनाथ मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर राम क्षेत्र येदियुर टेम्पल, जिसका पूरा नाम है येदियुर सिद्धालिंगेश्वरा मंदिर, और ये अपने आप में भगवान राम को समर्पित है। और मंदिर के अंदर भगवान शंकर भी पूरे परिवार के साथ विराजमान हैं। और ये मंदिर ऊंचे चबूतरे पर चंद सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें वहां अंदर जाने को मिला। और साथ ही साथ ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों पर बना हुआ है। अब आप मंदिर का अवलोकन करिए और उसके बाद फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे। मैरून कलर और सुनहरे कलर का क्या कॉम्बिनेशन है इस मंदिर में। पूरा का पूरा मंदिर मैरून कलर और सुनहरे रंग से बनाया गया है, और दो ही कलर इसमें बहुतायत में प्रयोग हुआ है 90%। और मंदिर बड़ा तरोताज़ा नया सा लगता है, और मंदिर के अंदर वाइब्स बिखरे पड़े हैं। राम जी के आगे बैठ लें, नवग्रह के आगे बैठ लें, नव दुर्गा के आगे बैठ लें, तो सारे देवी देवताओं को ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया गया है। छत का भी अवलोकन करिए, छत भी बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है। तो ये मंदिर वाकई में सजावटी साज सज्जा, ये देखिए भगवान भोलेनाथ का दरबार पूरा सजा हुआ है। और जो यहाँ के स्वामी जी रहे, जिनका नाम मैंने अभी शुरुआत में लिया है, ये उनकी मूर्ति है और उनको भी इसमें जगह दिया गया है। और ये देखिए स्तंभों को और साथ ही साथ मूर्तियों को देखिए, गेट देखिए, देखते बनता है। बोलिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। यह मंदिर राम क्षेत्र मंजूनाथ चंद्रनाथ बाहुबली, ये सारे के सारे मंदिर और नेत्रवती रिवर, इसका अवलोकन हम सभी जब बेंगलोर जा रहे थे तो ये रास्ते में पड़ गया, और अचानक मन हमारा मुग्ध हुआ और लगा कि वाकई में ये मंदिर की वाइब्स इतनी ज़्यादा है, यहाँ हमें देखना चाहिए। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और जब मंदिर को देखा तो वाकई में होश उड़ गए। इतने प्यारे मंदिर, इतने सुंदर मंदिर और इतने वाइब्स वाले मंदिर, क्या कहने। तो चलिए धर्मस्थला से चलते हैं, जय श्री राम। धर्मस्थला में रामस्थल ऐसा मंदिर बहुत कम देखने में आता है, और ये मंदिर किसी ट्रस्ट का है और अंदर से गोल्डन कलर इस मंदिर की ब्यूटी है जो देखते बन रहा है। और ये 2 फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ के महंत का मंदिर है और फर्स्ट फ्लोर पे हमारे नवग्रह नौ देवियाँ भगवान शंकर का परिवार आपके सामने देखने को आए मिलेगा, और राम जी सीता जी अपने पूरे परिवार के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये है रामस्थलम धर्मस्थलम धर्मस्थला, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। धर्मस्थला जाने से 3 किलोमीटर ठीक पहले ये स्थान देखना न भूलें, अपने लिस्ट में जरूर रखें। धर्मस्थला से मुश्किल से 1 घंटे हुआ होगा चले हुए, और ये रास्ते का सिनेरियो देखिए, इतना प्यारा व्यू है और ये घाटी इतनी सुंदर है कि बस देखते बन रहा है। और हम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ रोकी और साथ ही साथ माँ पार्वती जो साक्षात प्रकृति रूप में हमें देखने को मिल रही हैं,
वाकई में क्या कहें, और बादलों का नज़ारा, वाह, मन में बस यही होता है कि क्या बात है, क्या कहने हैं। तो प्रकृति ही सबसे सुंदर है, मेरा मानना यही है। और जो प्राकृतिक पेड़ पौधे, हवा, बादल, ये सारी चीज़ें वाकई में हम सभी को मंत्रमुग्ध करने के लिए भगवान ने पर्याप्त साधन दिया है। और चलिए, अगला एपिसोड हमारा सकलेशपुर फोर्ट होगा, जिसे अगले एपिसोड में हम विधिवत दिखाएंगे। और ये सड़क मार्ग से लगभग 300 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद एक पहाड़ी के चोटी पर ये सकलेशपुर फोर्ट बना है। और सकलेशपुर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन भी यही है। तो अगला एपिसोड ज़रूर देखिए, सकलेशपुर फोर्ट। और हम अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। और सकलेशपुर फोर्ट का अगला एपिसोड आप देखिए, उसके बाद हमारी जर्नी बेंगलोर में पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। ये रहा सकलेशपुर फोर्ट। Thank you.